आप सब, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है कि मैं आज एलोवेरा जेल के कई यूजेस बताने वाली हूँ, टॉप 12 यूजेस ऑफ एलोवेरा जेल। वैसे तो एलोवेरा जेल का हजारों यूसेज होते हैं, जैसे तैसे लोग एलोवेरा को यूज कर सकते हैं, यहाँ तक कि खा भी सकते हैं, बट मैं स्किन केयर एंड हेयर केयर के ऊपर ही आज जा रही हूँ, बाद में बाकी सब डिस्कस कर लेंगे। आज के वीडियो में मैं जो 12 पॉइंट्स आपको बताऊंगी, 12 यूसेज ऑफ एलोवेरा जेल, वो आपके एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जैसे कि डे टू डे हमारे साथ जो भी होता है, एलोवेरा जेल हम उस पर इंक्लूड करें तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकती है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले बता दूं, अगर आपने मेरे बंगाली चैनल को भी सपोर्ट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डेफिनेटली कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से भी उसको सब्सक्राइब कर देना अगर आपको बंगाली आती है तो, बंगाली पसंद है तो। पहले तो मैं मेरा जो फेवरेट एलोवेरा जेल्स है वो दिखाना चाहूंगी। पहले ही मैं बोल देती हूँ, मैं जो रियल लिप्स से नेचुरल एलोवेरा है उसको यूज़ करना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें होते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स, जो अगर आप वो निकाल नहीं पाते हैं, उसको बॉयल करना पड़ता है, प्यूरीफाई करना पड़ता है, फिर जाके जो रियल एलोवेरा है वो निकलता है। बट जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं एलोवेरा जेल वाला, वो प्यूरीफाई होके आते हैं, इसलिए जो नेचुरल एलोवेरा जेल्स होते हैं उसको मैं प्रेफर करती हूँ, बट सारे एलोवेरा जेल को नहीं। अगर मुझे रिकमेंड करना होगा कोई भी एलोवेरा जेल, मैंने तरह तरह के एलोवेरा जेल्स को यूज़ किए हैं। एक तो मेरे पास फिलहाल है नहीं, जो कि है पतंजलि का एलोवेरा जेल, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं वो रिकमेंड करूँगी। आप स्क्रीन पे देख सकते हो उसका पिक्चर। उसके बाद मैं रिकमेंड करूँगी, ये है मामा अर्थ का एलोवेरा जेल, मैंने बहुत यूज़ किया है इसको, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। और द थर्ड वन इज़ वाव का एलोवेरा जेल, ये तो मेरा फेवरेट वाला एलोवेरा जेल है, मैंने इसके ऊपर रिसेंटली वीडियो बनाए हैं, और मामा अर्थ के ऊपर तो मैं बनाती ही रहती हूँ, इसको दिखाती ही रहती हूँ। तो ये तीन एलोवेरा जेल मेरा फेवरेट एलोवेरा जेल है। अगर आप कोई भी रिकमेंडेशन चाहते हो तो मैं डेफिनेटली ये तीन रिकमेंड करूँगी आप लोगों को, बट कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, पहली बोल देती हूँ, नॉन स्पॉन्सर्ड है, सारे मेरे परचेस है, मेरे अपने एक्सपीरियंस है, मैं बता रही हूँ। तो नंबर वन यूज़ जो है, आप एलोवेरा जेल को एज हेयर सीरम यूज़ कर सकते हो। हेयर सीरम की तरह कैसे आप यूज़ करोगे, मैं कोई भी डेमो नहीं दिखा रही हूँ आपको, बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको बना के यूज़ कर रही हूँ, तो जब मैं नेक्स्ट बनाऊँगी आपको डेमो ज़रूर दिखा दूँगी। आपको लेना है एलोवेरा जेल, कोई भी ले लो, एक स्प्रे बॉटल में लेना है, स्प्रे बॉटल तो आपके पास होगा ही, नहीं भी होगा तो लोकल मार्केट से ईजिली मिल जाते हैं, ऑनलाइन से भी मिलते हैं। उसके अंदर आप रोज़ वाटर ऐड कर सकते हो या नॉर्मल वाटर ऐड कर सकते हो, उसके अंदर ऐड कर सकते हो विटामिन ई कैप्सूल, अगर आपके पास कैप्सूल नहीं है तो उसको स्किप कर देना, ओनली वाटर और रोज़ वाटर, और उसके साथ 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल ऐड कर दो अगर आपके बॉटल इतना होगा तो। उसको शेक करो, शेक करने के बाद स्प्रे बन गया आपका सीरम, उसको अपने हेयर पर स्प्रे करो। इससे क्या होता है, आपके हेयर के ग्रोथ बढ़ते हैं, आपके हेयर फॉल कम होते हैं, हेयर में शाइन आता है और हेयर चमकते हैं, एकदम ग्लॉसी होते हैं। ये 4 बेनिफिट्स मिलता है, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस है इसलिए बता रही हूँ। नंबर 2, आप इसको हेयर क्रीम की तरह भी यूज़ कर सकते हो। कैसे, ये तो मैंने बहुत बार डेमो दिखाए हैं आपको, इसीलिए मैं आज इसका भी डेमो नहीं दिखाऊंगी। पहले तो एक बाउल में, जो आप हेयर पैक वगैरह के लिए यूज़ करते हो वैसा एक छोटा सा बाउल ले लो, उसके अंदर डाल दो 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल और उसके अंदर 2 विटामिन ई की गोली, उसको काट के उसका जो सीरम है वो उसके अंदर डाल दो, जो लिक्विड है उसको मिक्स करो, एकदम क्रीम की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। उसको आप फेस पे भी यूज़ कर सकते हो और अपने हेयर पे भी यूज़ कर सकते हो, और ये स्पेशली है फॉर हेयर ग्रोथ, जिन लोगों के हेयर ज़्यादा जल्दी लंबा नहीं होता है, जैसे कर्ली हेयर्स होता है ना, जैसे कि 2 to 3 months हो गया, 1 inch भी नहीं बढ़ा, वैसा वाला अगर आप करोगे, ये वाला क्रीम अगर आप यूज़ करोगे तो आपका हेयर ग्रोथ डेफिनेटली बढ़ेगा, इसका भी प्रूफ मैं खुद हूँ। नंबर 3, फेस मॉइस्चराइज़र। आपको तो पता ही है कि फेस मॉइस्चराइज़र तो ये कॉमन है कि आप एलोवेरा जेल फेस मॉइस्चराइज़र की तरह ही यूज़ कर सकते हो, और उसमें आप विटामिन ई की गोली डालोगे, जो लिक्विड है उसके अंदर वो मिला के डालोगे, ज़्यादा नहीं, एक दिन में 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप, इससे ज़्यादा नहीं,
तो वो आपके फेस के बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर की तरह काम करेगा, आपके फेस से वो स्पॉट्स वगैरह है उसको रिमूव करेगा, पिंपल कम करेगा और बहुत सारे बेनिफिट्स है जैसे कि रिंकल कम करेगा, आईज के साइड में जो फाइन लाइंस हो जाते हैं, स्माइल लाइंस हो जाते हैं लिप्स के आसपास, ये सब कम करेगा। नंबर 4, एलोवेरा जेल को आप आफ्टर सन यूज करते हो। एलोवेरा जेल को आप आफ्टर सन की तरह भी यूज कर सकते हो, जैसे कि सनस्क्रीन तो आपको लगानी है ही, अगर आप सन से आके जो सन बर्न हो जाते हैं ना, जो एकदम मिड ऑफ द समर होता है तब जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, घर में आया और आके फेस वॉश करके एक बार एलोवेरा जेल को लगा के देखो, और एलोवेरा को अगर आप फ्रिज में स्टोर कर दोगे ना तो उसका इफेक्ट तो पता नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है वो लगाने में। तो ये आपका आफ्टर सन की तरह काम करेगा, और जैसे बर्निंग स्पॉट्स हो जाता है ना फेस पे, जिसको हम पिगमेंटेशन भी कहते हैं जो सनबर्न की वजह से हो सकता है, वो भी नहीं आएगा। नंबर 5, अगर आपके कोई भी बर्न हुआ है, कहीं पे भी बर्न हुआ है, जैसे कि होता है ना कुकिंग के टाइम कभी कभी हो जाता है बर्निंग, कभी कभी कहीं गरम कढ़ाई पकड़ लिया, गरम कोई भी बर्तन पकड़ लिया तो ऐसे छाले पड़ जाते हैं ना हाथ पे, अगर आप वहाँ पे इमीडिएटली एलोवेरा जेल अप्लाई कर दोगे तो आपका कोई भी छाला नहीं पड़ेगा, वहाँ पे आपका कोई भी बर्न नहीं होगा। मैंने इसको बहुत बार ट्राई किया है और हर बार ये काम में आया है। नंबर 6, आप एलोवेरा जेल से शीट मास्क भी बना सकते हैं। कैसे वो भी बताती हूँ। एक बाउल में थोड़ा सा रोज वाटर लो या नॉर्मल वाटर लो, उसके अंदर मिला दो 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, उसके अंदर विटामिन ई कैप्सूल मिला सकते हो या पिपरमेंट ऑयल मिला सकते हो या कोई भी एसेंशियल ऑयल जो आपको सूट करता हो या कोई भी फेस सीरम जो आपको सूट करता हो वो मिला सकते हो, एक लिक्विड सा बन गया। अभी उसमें टिश्यू पेपर उसमें डुबा दो, 10 मिनट ऐसे रख दो, टिश्यू पेपर में सारे जो लिक्विड बना हुआ था एलोवेरा जेल से वो सोक हो जाएगा। हो जाने के बाद उसको अपने फेस पर रख सकते हो ऐसे, तो वो हो गया आपका शीट मास्क। वैसे भी शीट मास्क का बहुत सारे जो टिश्यूज़ है वो मिलते हैं, जो आईज नोज एंड लिप के कटिंग वाला मिलता है वो, अगर आपके पास वो नहीं है तो नॉर्मल जो वेट टिश्यूज़ वगैरह है उससे भी आप कर सकते हो। नंबर 7, स्पॉट लाइटनिंग। कुछ भी नहीं, अगर आप सिर्फ एलोवेरा जेल को रिपीटेडली कंटिन्यूसली और एक हैबिट की तरह जहाँ पे आपके स्पॉट है, जैसे कि सब लोगों के बैक पे स्पॉट हो जाते हैं, जो टीनेजर्स लोग हैं जिनके बहुत ज़्यादा पिंपल आते हैं, मेरे तो बहुत आते थे टीनेज में, बैक पे हो जाते थे, फेस पे तो बात ही छोड़ दो, नेक पे हो जाते थे, तो ऐसे वाले स्पॉट्स के ऊपर अगर आप रिपीटेडली एक हैबिट की तरह रात को सोने से पहले एलोवेरा जेल अप्लाई करते हो, सिर्फ एलोवेरा जेल, कुछ भी मिलाने के लिए मैं नहीं कर रही हूँ, तो आपका स्पॉट धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। बट एक कंसिस्टेंसी आपको रखना पड़ेगा कि आप एक दिन भी उसको स्किप नहीं करोगे। ओपन पोर्स का प्रॉब्लम्स। अब ओपन पोर्स का प्रॉब्लम्स एलोवेरा से कैसे दूर होगा, इसका भी एक बहुत अच्छा टेक्निक है। एक जार में मिला लो पानी और एलोवेरा जेल, कुछ नहीं सिर्फ पानी और एलोवेरा जेल, उसको रख दो आइस ट्रे में और उसको जमा लो, जैसे क्यूब बन जाएगा ना छोटा छोटा एलोवेरा जेल का। ये वाले जेल रेगुलर आफ्टर बाथ आपके जो यहाँ पे पोर्स होते हैं वहाँ पे मसाज करो, रिपीटेडली मसाज करो, 10 दिन करो और इसका फ़ायदा देखो, कितना अच्छा रिजल्ट आपको पता है इससे मिलता है। ये तो एक बहुत ही अच्छा वाला टेक्निक है कि आप नेचुरली कैसे पोर्स को मिनिमाइज कर सकते हो, एकदम ब्लर आउट कर सकते हो, और मेकअप करने से पहले तो बहुत ही अच्छा टेक्निक है ये। जैसे तरह तरह के बहुत कॉस्टली क्रीम्स मास्क आते हैं ना इसके लिए, बट अगर आप इसको कंटिन्यू 10 दिन इसको ट्राई करो, फिर कोई भी प्रोडक्ट्स आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 9, एग मास्क। हेयर पे हम एग मास्क लगाते हैं ना, एग मास्क के साथ लगा दो एलोवेरा जेल, मिला लो उसके साथ और उसको अप्लाई कर दो एग वाइट के साथ, नॉट योक, योक को नहीं मिलाना है, सिर्फ एक वाइट के साथ एलोवेरा जेल मिक्स करो और उसको हेयर पे अप्लाई करो, शाइन तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और आपके हेयर स्ट्रेट भी बहुत अच्छी तरह से होगा, क्योंकि आपको तो पता है कि एक वाइट में होता है स्ट्रेटनिंग प्रॉपर्टी और उसके साथ एलोवेरा जेल आपके हेयर के ग्रोथ को बढ़ाता है, शाइन प्रोवाइड करता है और आपके हेयर के जो फंगल इन्फेक्शंस वगैरह है उसको दूर करता है, बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा ये मास्क से। नंबर 10, ये एक बहुत
बहुत ही फायदा वाला टेक्निक है। अगर आप वैक्सिंग कर रहे हो, कुछ भी करो, हॉट वैक्स करो, कोल्ड वैक्स करो, या आप कर रहे हो वो स्ट्रिप्स वाले, मैं तो नहीं करती हूँ बाबा, बहुत दर्द होता है, या आप शेविंग कर रहे हो, फेस पे हो, बॉडी के कोई भी पार्ट पे हो आप कर रहे हो, डेफिनेटली उससे पहले एलोवेरा जेल का यूज़ करो, क्लींजिंग करो, फिर जेल का यूज़ करो एलोवेरा जेल का, उसके बाद वैक्सिंग, क्लींजिंग जो भी करना है, वैक्सीन ट्रिमिंग जो भी करना है करो, बस उससे पहले एलोवेरा जेल का यूज़ करो। इससे क्या क्या फ़ायदा होता है मैं बताती हूँ। इससे आपके स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहता है, मॉइस्चराइजेशन बरकरार रहते हैं, क्योंकि ट्रिमिंग, वैक्सीन ये सारे चीज़ों से ना जो रेजर वगैरह चलते हैं स्किन के ऊपर, स्किन ड्राई हो जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर कहीं पे कट हो रहे हैं आपके बॉडी पे, या आपके जो हेयर ऐसे निकल रहे हैं ना, अगर आपके जो पोर्स है जहाँ से आपके जो हेयर है वो निकलते हैं, वहाँ से कभी कभी ब्लड निकल आते हैं, वो नहीं होता है वहाँ पे, ये प्रिवेंट करता है ब्लड निकलने से एलोवेरा जेल, ये फ़ायदा होता है। और अगर कोई भी रैशेस आने का चांस है, जैसे कि मेरा तो बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर मैं हेयर रिमूविंग क्रीम भी यूज़ करती हूँ ना, तो मेरा रैशेस आ जाते थे पहले, स्पेशली लेग्स पे, तो मैं क्या करती हूँ, अभी मैं पहले एलोवेरा जेल यूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे कि मैंने बताया कि रैश के ऊपर भी ये काम करेगा बहुत अच्छी तरह से। नंबर 11, और जो कि है बहुत ही एक पॉपुलर टेक्निक, वो है सैनिटाइज़र। मैंने दिखाया था ना कि कैसे सैनिटाइज़र बनाते हैं, होममेड सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र में अगर आप एलोवेरा जेल मिलाओगे, सैनिटाइज़र में मिलाना नहीं है एक्चुअली, सैनिटाइज़र तो बाहर से जब आते हैं जेल वेल मिला के ही आते हैं, घर में अगर बना रहे हो तो अल्कोहल या स्पिरिट जो भी आप मिला रहे हो उसमें, उसमें एलोवेरा जेल ऐड कर दो, पानी ऐड कर दो, बस बन जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो हाउ टू मेक एलोवेरा जेल सिंपल लाइफ में अनन्या लिख के सर्च करो, आपको आ जाएगा कि मैं कैसे बनाई थी सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र, तो वैसा वाला बना लो। जैसे कि स्पिरिट और अल्कोहल इन सारे चीज़ों से ना हाथ बहुत ड्राई हो जाते हैं, अगर उसमें एलोवेरा जेल रहेगा तो हाथ एकदम मॉइस्चराइज रहता है, कोई भी हैंड क्रीम वगैरह की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। एंड द लास्ट वन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर समर, घमौरिया होता है ना, जैसे कि ये ठंड वाला पाउडर लगा लिया, वो ठंड वाला पाउडर लगा लिया, होता तो है, टेम्पोररीली होता है, उससे भी काम होता है, बट अगर आप उसमें ठंडा वाला एलोवेरा जेल लगाओगे ना, तो एक रात में आपका सारे जो घमौरिया है वो एकदम कम हो जाएंगे, कोई भी रैशेस, घमौरिया या जो आपके इचीनेस का प्रॉब्लम हो जाते हैं ना आपके बॉडी पार्ट्स पे विंटर की वजह से, वो एकदम ठीक हो जाएगा। तो यही था आज का टॉप 12 यूजेस ऑफ एलोवेरा जेल, और भी कई सारे हैं जो मुझे भी शायद नहीं पता है, तो बहुत सारे आपको यूट्यूब में मिल ही जाएगा, बट ये मेरे फेवरेट यूसेज है जो मैं खुद करती हूँ यूज़, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया आज। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर देना अगर आपको मेरे वीडियो फिर से चाहिए तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेरी गुड बाय, टेक केयर।